370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटा नहीं सकती। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छोड़ सकते। लेकर चला जाए, आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। एक मीडिया के कुछ सेक्शन में जिसमें आपका भी चैनल आता है उसने प्रचारित की हुई बात। उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है आपको लगता है जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है? वो तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कुछ नहीं किया हमारी सरकार के खिलाफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए ना हम सहन करेंगे। ये जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I made it. And I wouldn't trade it because I stay faded. Fucking on the bitch. हार से कई बार आदमी सबक लेता है, जाहिर है उस हार से कुछ सबक लिया होगा आपने, क्योंकि आप स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो उस सबक के हिसाब से कोर्स करेक्शन करता है आदमी कि कहां चूक हुई और उसके बाद हम रणनीति बदलते हैं। नहीं नहीं, मेरी पार्टी हर हार से सबक लेती है, इसीलिए तो 2 सीट पर हम रह गए थे, वहां से पूर्ण बहुमत लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अध्यक्ष जी सुनिए सुनिए, मौका दीजिए, बोलने की क्षमता रखिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके। कुछ सदस्यों ने कह दिया कि सरदार पटेल जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते थे। मेरा तो आग्रह है मान्यवर, इस प्रकार की बातों को आपने रिकॉर्ड पर से दूर का संज्ञान लेना। सरदार पटेल ने देश के अंदर 650 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर अखंड भारत बनाने का प्रयास, और आप कह रहे हो कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मैं रिकॉर्ड साफ कर दूं, जम्मू कश्मीर को कभी सरदार पटेल ने डील नहीं किया था, सरदार पटेल ने डील किया जूनागढ़ को, आज भारत में है विदाउट 370 है। डील किया हैदराबाद को, भारत में है विदाउट 370 है। जम्मू कश्मीर को डील किया पंडित नेहरू। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री को कि आज सही अर्थ में इन रियल सस्तान जम्मू एंड कश्मीर बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। टुडे होगी सर, मुझे
मुझे तो खुशी होगा उस दिन, और पूरा हिंदुस्तान बधाई देगा इस सरकार को जिस दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कश्मीर का हिस्सा बन जाएगा। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I've made it. पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले। He is not yielding. Please be seated. सुनने की भी आदत डाली होगा ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज डरने का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैंने डरने की कोई बात ही नहीं करी है, इतना ही कहा है कि जब दोनों सदन दोनों ओर के सदस्य बोल रहे हैं, जब आप एक मुद्दे को तत्वतः उठाते हो, सिद्धांत के तहत उठाते हो, जो दोनों ओर के सदस्य जब बोले तब उठाना चाहिए। राजा साहब के लिए आपके एक डायमेंशन है और सत्यपाल जी के लिए दूसरे है, मेरी इतनी ही बात है, डराने का सवाल नहीं है। डर जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो इस वीडियो को दबा के लोगों तक पहुंचाइए, दबा के शेयर करिए, हमारा चैनल भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइए।